लद्दाख गलवान घाटी में हुए हमले में शहीद भारतीय सैनिकों की शहादत को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं चीन सामग्रियों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष धनु प्रसाद दुबे ने कहा कि चीन हमेशा कायरतापूर्वक कार्य करते हुए भारत पर हमले की साजिश रचता है, जो बिल्कुल गलत है। आज पूरे विश्व में भारत का कद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ा है और भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है। चीन की हरकत को पूरा विश्व जान चुका है। गलवान घाटी में हुए हमले चीन की साजिश है, जिसका भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस हमले में शहीद हुए वीर जवानों का शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। इस अवसर पर भाजपा महामंत्री राजेंद्र टंडन, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष पवन अग्रवाल, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष कटघोरा मनोज नायडू, नवीन गोयल, कुलदीप डिकसेना, अशोक तिवारी, सुनील खांडे, किशन केसरवानी, उत्तम रंधावा, रूपेश डिकसेना, आकाश मनकर, अरविंद शर्मा, सचिदानंद तिवारी, राजू पनेसर, जिज्ञांशु जायसवाल, टीकम सत्या साहू, सौरभ यादव, शिवशंकर जायसवाल सहित अनेकों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। दोनों के देखिए बीच में भारत और चीन के बीच में समझौता ये हुआ था कि वहाँ पर कोई भी दोनों देश के लोग शस्त्र लेकर के नहीं जाएंगे। हमारे भारतीय सेना के जवान इसका पालन किए, शस्त्र लेकर के नहीं गए। अस्त्र शस्त्र लेकर के जाना वहाँ पर वर्जित था, किंतु उन्होंने चाइना के लोगों ने विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रयोग किए, डंडे में जैसे कि किले ठोक करके हमारे वीर जवानों की निर्मम हत्या की है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और उन्होंने कायराना हरकत किया और भारत के लोगों को, हमारे भारतीय जवानों को उन्होंने धोखे में रखा और धोखा दिया है। इसके साथ ही मैं अपने भारतीय जनता पार्टी मंडल कटघोरा के सभी लोगों से आग्रह करता हूँ और निवेदन करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि चीन के संपूर्ण सामग्रियों का बहिष्कार करें। TCP24 न्यूज़ के लिए कटघोरा से राहुल सोनी की रिपोर्ट।